हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी गृहस्थी। आज हम बनाएंगे माता रानी के लिए चौकी, और नवरात्रे आने वाले हैं। आप भी अपने घर के सामान से इस तरह से चौकी बना सकते हैं। चौकी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा। आप इसकी जगह पर कोई लकड़ी के जो प्लाई टाइप होता है वो ले सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा मोटा कार्डबोर्ड है, बहुत मजबूत है, आप भी ऐसा ले सकते हैं, या दो कार्डबोर्ड को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। उसको कवर करने के लिए मैंने लिया पे। मैंने कार्डबोर्ड पे फेविकोल को अच्छे से फैला दिया था, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो थैला लिया था उसको चिपकाऊंगी। आप कपड़ा, पेपर, जैसे मैंने कहा था, कुछ भी चिपकाइए जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है तो आप 5 से 10 रुपये में ही जो है वो गिफ्ट पेपर रैप रेड कलर का आप लेकर चिपका सकते हैं। और लाल रंग ही सुंदर लगता है माता रानी की चौकी में, लाल, पीला, हरा, इस तरह के आप लगाएं तो ज़्यादा सुंदर लुक आती है, और यही कलर शुभ भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही फेविकोल को चिपकाया। मैं पहले ग्लू गन से चिपकाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे ग्लू गन अच्छे से यूज़ नहीं होती, पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं चिपक पाता, तो इसलिए मैं फेविकोल का ही यूज़ करती हूँ। मैंने इसको लगाने के बाद थोड़ी देर दबाया था तो ये 2-3 मिनट में ही अच्छे से चिपक गया था। अब यहाँ पीछे की तरफ भी मैंने चिपकाने की कोशिश की थी तो एक तरफ से चिपक गया था थैला, लेकिन बहुत मोटा पड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने दोबारा जो दूसरी तरफ से उसको कट कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा वो मोटा ना रहे, और पतला होने के बाद जो अच्छे से बहुत ही जल्दी चिपक गया था। तो आप ऐसे ही कीजिए। यहाँ पर मैंने रोलर को 4 बराबर हिस्सों में काट लिया था और चौकी के पावे बनाने के लिए, और उसके ऊपर ये लेस चिपका दी थी। लेस बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम बहुत ही अच्छे से लुक आया हुआ था। लाल रंग की चौकी के नीचे पीले पाँव बहुत सुंदर लगी थी बनने के बाद, आप भी देखना। तो ऐसे आप कोई भी लेस चिपका सकते हैं, रस्सी भी चिपका सकते हैं। आजकल जूट की रस्सी भी बहुत DIY में यूज़ की जा रही है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। कोई आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम गृहणियों के पास तो मिलती ही हैं नॉर्मल घर में, तो ऐसी चीज़ें आप फेंके नहीं, संभाल के रख लें, ज़्यादा जगह नहीं घेरती है। ऐसे आप 1-2 बॉक्स बनाएं और उनमें हमेशा ये चीज़ें डालते रहें। तो अब यहाँ पर मैं चौकी के पाटरे के ऊपर जो है लेस लगाऊंगी, ये एकदम बॉर्डर जैसा लुक आएगा, बहुत सुंदर लेस थी ये। और जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने पहले कट नहीं की थी, सूखने के बाद मैंने उसको अलग से फिर कट कर लिया था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पहले ही नाप कर कट कर लें, जैसा आपको सही लगे आप वैसे चिपकाएं। मैंने जो फालतू बची हुई थी उसको छोड़ दिया था पीछे की तरफ, और अब ये हमारी चौकी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब आने वाले नवरात्रों में मेरे चैनल पर आपको जो है माता रानी की कहानी भी सुनने को मिलेंगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने पैर चिपका दिए थे चौकी के, और यहाँ पर मैंने ग्लिटर पेपर यूज़ कर लिया था, वो मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि मुझे कुछ ग्रीन कलर भी चाहिए था। और ये कैडबेरी का जो चॉकलेट बॉक्स आता है उसके ऊपर ये फ्लावर बने हुए थे 2-3, तो मैंने इन्हें अलग करके कट करके रखा हुआ था। और ये चिपकाने के बाद देखिए हमारी चौकी बिल्कुल रेडी हो गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। आने वाली वीडियो में मैं इसे ज़रूर यूज़ करूँगी। तो आप अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।